हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज सैटरडे है, यहाँ पे वीकेंड है, तो मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इधर आसपास कोई जगह है तो घूम के आता हूँ। तो मेरे घर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा टाउन है। मतलब बेसिकली इसको कह सकते हैं ये शहर भी नहीं है और गाँव भी नहीं है, मतलब बीच का कुछ है। तो मैंने सोचा कि इधर चलता हूँ और एक वीडियो शूट करता हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक छोटा सा पार्क है। तो यहाँ पे हर 100 मीटर पे आपको ऐसे पार्क मिल जाएगा, जहाँ पे कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पार्क है जहाँ पे बच्चे वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं और कुछ बड़े लोग भी यहाँ पे आए हैं, पर यूजुअली ये लोग वीकेंड में घर घर पे ही रहते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, और पास में ही एक हाईवे है। तो आप देख सकते हैं इधर लोग काफ़ी कम है यहाँ पे। एक्चुअली इसका पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, पर जो भी है ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बीच में एक चौड़ा सा रास्ता होता है और दोनों तरफ घर होते हैं, और वो रास्ते पे गाड़ी पार्किंग और थोड़ा गार्डन होता है घर के सामने। अभी हम चलते हैं उधर पास से देखते हैं। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये लोग मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत साफ सफाई का ध्यान देते हैं। रास्ता भी देखिए कितने अच्छे से मेंटेन है, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो हर घर के बाहर ये जो आप देख रहे हो ना, डस्टबिन रहता है जहाँ पे कि ये लोग अपना सारा कचरा रखते हैं। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, मतलब रास्ते काफ़ी चौड़े हैं, तो ये मतलब काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। और सभी लोग यहाँ पे एक डॉग रखते हैं, आई होप ये काटे नहीं। सबके पास यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी होता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो लाते हैं डॉगी को टहलाने के लिए, तो अगर ये पोटी कर देता है तो उसको भी ये लोग प्लास्टिक में उठाते हैं, मतलब इतना डिसिप्लिन है। इसी वजह से ये काफ़ी साफ सुथरा है। पर एक्चुअली होता क्या है कि हम जब इंडियंस लोग बाहर आते हैं तो हमको लगता है अरे कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छे से वो लोग सफाई मेंटेन किए हुए हैं, पर हम ये नहीं देखते कि यहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन हैं। तो कोई भी देश जो है साफ सुथरा वहाँ के लोगों से बनता है। अगर हम लोग भी वहाँ पर सेम चीज़ें करने लगे तो वो भी साफ हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकल करके ये सामने जो है वो बस स्टॉप है, और जहाँ पे कार मूव करता हुआ दिख रहा है, और एक सामने इधर छोटा सा और पार्क है जो कि बहुत ही प्यारा है। अभी मैं बस स्टॉप के पास में एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है, अभी मैं वहाँ पे भी ले चलता हूँ। तो ये जो है अपना बस स्टॉप है, यहाँ पे बस मिल जाता है अगर आपको कहीं भी जाना है तो। ऐसे यहाँ छोटे छोटे बस स्टॉप होते हैं, और इसके जस्ट बगल में इसको शॉपिंग मॉल नहीं बोल सकते हैं, एक छोटा सा सुपर मार्केट टाइप का है, पर यूजुअली ये वीकेंड में बंद रहता है। मतलब अजीब यहाँ का सिस्टम है कि वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे को दुकान भी बंद रहेगा। तो आपको अगर कुछ ग्रोसरी चाहिए तो आपको पहले लेना पड़ेगा, वीकडेज में लेना पड़ेगा, नहीं तो वीकेंड में आप नहीं ले सकते हो। और देखिए पूरा खाली खाली लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। कुछ लोग दिख रहे हैं। ये एक और छोटा सा पार्क इधर शॉपिंग सेंटर के पीछे है, और मुझे तो यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है ये लोग जो मेंटेन करके रखते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब स्मॉल टाउन में भी इतना अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये रेंटल ई स्कूटर है, मतलब कि आपको अगर कहीं छोटे डिस्टेंस के लिए जाना है तो ये स्कूटर आप रेंट पे ले करके जा सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये कॉर्नर पे डस्टबिन रखा हुआ है।
और ये एक्चुअली ये एक बड़ा सा रोड है जो कि पूरा खाली है, जिसके दोनों तरफ पार्किंग है। ये देखिए रोड है और इसके दोनों तरफ पार्किंग है, दोनों साइड में गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ पे छोटे से टाउन में भी इतने अच्छे से लोग घर को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब काफी डिसिप्लिन लोग हैं इधर। यहाँ पे देखिए सामने रेंटल स्कूटर रखा हुआ है, मतलब हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आपको ऐसा दिख जाएगा ये रेंटल स्कूटर। इसको लेकर के आप जैसे छोटे डिस्टेंस के लिए आपको जाना है तो जा सकते हो। हाँ ये देखिए मेन रोड है, और मेन रोड से हट करके इधर एक पतली सी गली है, इसके दोनों तरफ घर है, और देखो घर के बगल में पार्किंग में स्कूटर रखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो हर घर के सामने वो डस्टबिन रखा हुआ है जहाँ पे कि ये लोग अपना कचरा रखते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा हुआ है। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि किसी भी देश की साफ सफाई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। तो सेम थिंग, मतलब अगर हम अपने यहाँ भी अगर सारे रूल्स फॉलो करें, अगर डिसिप्लिन करें, तो वहाँ पे भी साफ सफाई हो सकती है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस थोड़े कम हैं, बट हमको मेंटेन करना चाहिए उसे। ये देखिए पतली सी गली है, इसके दोनों तरफ घर है, और इसके सामने देखिए वो जो रेलिंग टाइप का कुछ लगा हुआ है, उससे बाहर निकल करके आपको एक पार्क मिलेगा। तो यहाँ पे हर 100 मीटर पे, 50 मीटर पे आपको एक छोटा सा पार्क मिलेगा जहाँ पे कि लोग वर्कआउट करते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आगे आने वाले फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो और बनाऊंगा। और बाकी इसके अलावा भी, मतलब जो आपके मन में आता है कि इस टाइप का वीडियो बनाइए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस हिसाब से ट्राई करूंगा कि थोड़ा चैनल को इम्प्रूव करूँ और कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।